नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में आपके साथ अर्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर आज वर्चुअल मीटिंग के जरिए सरस्वती नदी पर बांध को लेकर एमओयू पर साइन करेंगे। पंचकुला के लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में हिमाचल हरियाणा सरकार के बीच एमओयू साइन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रदेशों के मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बांध के बनने से किसानों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा और कई गांव बाढ़ प्रभावित होने से बच जाएंगे। वहीं बांध का अधिकांश हिस्सा हिमाचल में बनेगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,17,000 के पार केसेज, 491 लोगों की मौत। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार फैलता जा रहा है। देश के 29 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 9,200 से पार। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 24 घंटे में 46,197 नए मामले आए सामने, 37 मरीजों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 9,558 केस, 6 मरीजों की मौत। एक दिन में 7,200 से भी ज्यादा मरीज रिकवर। गुरुग्राम में कोरोना के 2,845 नए मामले, 24 घंटे में 2,175 मरीज रिकवर, 2 की मौत। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 1,080 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और संक्रमितों का कुल आंकड़ा 12,000 के पार है। भिवानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 189 नए केसेस सामने, 75 मरीज रिकवर, एक्टिव केस की संख्या 700 के पार। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 253 नए मामले, 191 मरीज रिकवर, एक्टिव केस की संख्या 775 के पार। सिरसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 235 केसेस, 150 रिकवरी, एक्टिव केस की संख्या 800 के पार। केतन में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 117 केसेस सामने, 96 मरीज रिकवर, एक्टिव केस की संख्या 777। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा के 198 नए एम्बुलेंस को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा कि ये एम्बुलेंस राज्य ने अपने पैसे से खरीदी है। उन्होंने बताया कि अब 635 एम्बुलेंस हो चुकी है और 69 एमओयू हो गए हैं। शिशु और मातृत्व मृत्यु दर में कमी आएगी। अनिल विज ने कहा है कि रोगी तक पहुंचने की औसत प्रतिक्रिया समय 14 मिनट है और निकटतम यहां पर स्वास्थ्य सुविधा में रोगी को पहुंचाने के लिए यह समय 33 मिनट है। एनएचएम के पास पहले से नई एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर नहीं थी, इसलिए कोविड के चलते रोडवेज विभाग के चालक इन एम्बुलेंस पर तैनात किए गए। करीब 614 चालक एम्बुलेंस चलाएंगे। इनमें से 500 से भी ज्यादा एम्बुलेंस पर और 50 मोबाइल मेडिकल केयर यूनिट पर तैनात किए जाएंगे। यमुनानगर में लगे 4 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दैया ने कहा है कि यमुनानगर में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट को निजी कंपनियों ने स्पॉन्सर किया है। मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट में बिजली की किल्लत को लेकर कहीं ना कहीं परेशानी सामने आने लगी है। डॉक्टर विजय दैया ने बताया है कि इस तरह के मेडिकल प्लांट पर 24 घंटे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी रहना जरूरी होता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन तैयार की जा सके और इसके लिए अब सब इलेक्ट्रिसिटी सर्विस सेंटर्स की जरूरत होती है, जो कि चारों सेंटर में से किसी पर भी उपलब्ध नहीं है। यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कल्पना गुर्जर ने कहा कि परिस्थितियां ठीक रही तो 33% हाजिरी के साथ फरवरी में हरियाणा के स्कूल खुलेंगे। 8वीं में बोर्ड विद्यार्थियों में गंभीरता लाने के लिए 5वीं के टेस्ट में हुए फेल तो देंगे एक और मौका। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने बिना परीक्षा पास करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब जो उसके परिणाम आए हैं वो अच्छे नहीं आए, इसीलिए ना टीचर संतुष्ट हैं और ना ही अभिभावक, इसलिए पेपर लेने और बोर्ड बनाने का निर्णय लिया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत 1100 प्ले स्कूल खोले गए हैं, जबकि इसी कार्यकाल में 4000 प्ले स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा 6ठी कक्षा से बच्चों में विषय हुनर आए इसके लिए भी कक्षाएँ शुरू की जाएगी। जेजेपी नेलो में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अभय चौटाला ने जेजेपी पर वार करते हुए कहा था कि जेजेपी का आने वाला समय में बीजेपी में विलय होने वाला है। वही जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने ट्वीट पर पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है कि 2024 में इनेलो का ही जेजेपी में विलय हो जाएगा। जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला के 2024 में जेजेपी का इनेलो में विलय के ट्वीट वाले सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि 2024 में दिग्विजय चौटाला के बयान पर करेंगे अमल, सोच समझ कर ही किया होगा ट्वीट। दुष्यंत चौटाला ने स्थानीय उद्योगों में 75% युवाओं को रोजगार देने के सवाल पर कहा है कि पिछले 100 घंटे में 9000 से ज्यादा युवा हरियाणा लैब पोर्टल पर अप्लाई कर चुके हैं।
नियम 134A के तहत बच्चों को दाखिला ना मिलने पर बोले के संज्ञान में नहीं है ये मामला, फिर भी अगर कोई स्कूल फॉलो नहीं कर रहा है तो डीसी से कर सकते हैं शिकायत। बजरंग दास गर्ग ने सरकार के सवाल करते हुए कहा है कि शराब के ठेके रात 10 बजे तक खुले रहेंगे लेकिन दुकानें शाम 6 बजे तक बंद करने का आदेश सरकार की तरफ से कर दिए गए हैं। बजरंग दास गर्ग ने कहा है कि छोटे दुकानदार और रेहड़ी फड़ी लगाने वालों का काम शाम 6 बजे से ही शुरू होता है तो क्या कोरोना केवल दुकानों में ही आता है। फरीदाबाद में लगातार तेजी से गति से वैक्सीनेशन किया जा रहा है जिसके चलते अब तक 92% यानी कि 34 लाख से ज़्यादा लोगों के यहां पर वैक्सीन लगाई जा चुकी है और जल्द ही 100% वैक्सीनेशन का टारगेट भी पूरा कर लिया जाएगा। दूसरे डोज के अलावा 15 से 17 साल के युवाओं का तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है, साथ ही 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज देने का भी काम सुचारू रूप से चल रहा है। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में अब तक 34,58,200 से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है जिनमें से 19,98,525 लोगों को पहली डोज और 14,53,431 लोगों को दूसरी डोज मिल चुकी है। 15 से 17 साल के 96% बच्चों को पहली डोज दी जा चुकी है, 60 साल से ज़्यादा उम्र के 6,317 लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाई जा चुकी है। सोना में कोरोना को लेकर आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं, लोगों का आरोप है कि आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट 3 से 4 दिन के बाद मिल रही है। चरखी दादरी में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने सड़कों पर किया धरना प्रदर्शन, बाढ़ा विधायक ने चौटाला आवास को घेरा और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, 21 तारीख को पीओ कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी। आंगनबाड़ी वर्कर्स की हड़ताल के समर्थन में दूसरे विभागों के कर्मचारी भी पहुंचे, आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। कैथल में लंबे समय से हड़ताल पर बैठे आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की महिलाओं ने रोष मार्च निकालकर कैथल के विधायक लीलाराम की आवास पर घेराव किया है, बैरिकेड को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कहासुनी हुई। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर के नेताओं का कहना है कि हमारा आंदोलन काफी दिनों से चल रहा है, सरकार बातचीत का रास्ता बताए नहीं तो आंदोलन तेज होगा। करनाल में डिफॉल्टर के खिलाफ नगर निगम का बड़ा एक्शन, निगम की टीम 30 दुकानों पर करेगी सीलिंग की कार्रवाई, निगम किराएदारों पर 60 लाख से अधिक किराया वसूलने के लिए निगम ने शुरू किया है अभियान। नूह में मनरेगा भ्रष्टाचार के मामले में शिकायत के 10 दिन बाद कार्रवाई नहीं होने पर गांव खेड़ली दोसा के लोगों ने उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह से मिलकर भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उपायुक्त शक्ति सिंह ने इस मामले में ग्रामीणों को बड़ा संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। करनाल में किसान यूरिया खाद को लेकर दर दर की ठोकरें खाते हुए नजर आए लेकिन उन पर यूरिया खाद के साथ खाद विक्रेता दुकानदार जबरदस्ती दवाइयां भी थोप रहे हैं। खाद विक्रेता दुकानदार के गोदाम में करीब 350 कट्टे यूरिया खाद के रखे मिले, किसानों के हंगामे के बाद कृषि विभाग के सहायक तकनीकी प्रबंधक सहित कृषि अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में किसानों को 5-5 कट्टे खाद बंटवाए। किसानों का कहना है कि अगर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने आरोप लगाया कि बाजार में सरेआम यूरिया खाद की कालाबाजारी हो रही है। सिरसा में एसडीएम ने रोड़ी बाजार समेत पूरे शहर का किया दौरा, इस दौरान कुछ दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना नहीं की जा रही है और ग्राहक भी बिना मास्क के नजर आए। वही एसडीएम ने दुकानदारों का 500 रुपए का चालान काटा है, इसी के शहर के कई अन्य दुकानदारों को भी नियम पालन करते हुए ग्राहकों के भीतर प्रवेश देने की हिदायत दी, बाजारों में दुकानदारों को कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए जागरूक भी किया। फरीदाबाद की अरावली की पहाड़ियों में हजारों गाय और मृत जानवरों के अवशेष मिलने से प्रशासन और पुलिस के बीच यहाँ पर होश उड़ चुके हैं, लगभग 1 किलोमीटर के जंगल के इलाके में जानवरों की हड्डियों के ढेर लगे हुए दिखे। शहर से मरे हुए पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने का ठेका जिस व्यक्ति को दिया हुआ था उसने नियमों को ठेंगा दिखाते हुए अरावली की पहाड़ियों और जंगल में मृत जानवर डालने शुरू कर दिए। लोगों का ये भी आरोप है कि मृत गायों के अवशेषों को बॉडी बनाने वाले सप्लीमेंट से मिलाकर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ भी किया जा रहा है। रादौर में नहीं थम रहा अवैध खनन का खेल, खनन और ओवरलोड पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की रेकी करने वाले यहां पर ग्रुप फिर से सक्रिय हो चुके, व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकारियों की लोकेशन शेयर कर किया जा रहा है खनन का खेल।
बल्लभगढ़ में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए एलिवेटेड पुल बनाने के लिए तैयारी है। डीपीआर और व्यापारी संगठन इसका विरोध कर रहा है। बल्लभगढ़ में व्यापारी प्रस्तावित एलिवेटेड पुल के विरोध में उतर आया है और व्यापारियों का कहना है कि एलिवेटेड पुल बनने से उनके व्यापार पर असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि पहले से ही आर्थिक मंदी झेल रहे हैं। पंचकुला में सीएम फ्लाइंग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 26 जनवरी को लेकर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम यहां पर सक्रिय नजर आई है और कालका के एक घर से अवैध हथियार समेत AK-47 की जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। सीआईडी और हरियाणा सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने तलविदा को गिरफ्तार कर कालका पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में सर्कल सेक्टर 23 पर बिजली कर्मचारी यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन के सर्कल ने विभाग के सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर नरेश कुमार काकड़ को सौंपा विरोध पत्र। कर्मचारियों का कहना है कि बिजली विभाग के 33 केवी पावर हाउस सहित फरीदाबाद के 12 सब डिविजनों को प्राइवेट हाथों में ना दिए जाएं। कर्मचारियों का कहना है कि बिजली दफ्तरों को ठेकेदार के हाथों में देने का यदि कोई फैसला लिया है तो HSEB वर्कर यूनियन इसके खिलाफ विरोध भी करेंगे। कर्मचारियों ने दफ्तर बंद करने की भी चेतावनी दी। फतेहाबाद में पिछले कुछ समय से प्रशासन शहर में बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में जुटा हुआ है। इसी के तहत नगर परिषद और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाने हुए शहर के बाजारों में अतिक्रमण हटवाया। इस दौरान काफी दुकानदारों ने दुकानों के बाहर सामान रखा हुआ था जिसे टीम ने जब्त कर लिया। सामान जब्त करने पर दुकानदारों की टीम के साथ बहस भी हुई। प्रशासनिक टीम ने हिदायत दी थी कि दुकानों के बाहर रखे सामान को जब्त किया जाएगा, इसीलिए दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर सामान न रखें। रतिया में हरियाणा छात्र यूनियन के बैनर तले सैकड़ों छात्रों के शिक्षण संस्था खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। छात्रों का कहना है कि जब शराब के ठेके खुलने का समय बढ़ा दिया गया तो दफ्तरों में कामकाज चल रहे हैं तो शिक्षण संस्थानों को क्यों नहीं खोलने दिया जा रहा। छात्रों ने कहा कि 26 जनवरी तक अगर शिक्षा संस्था नहीं खोले गए तो वे आंदोलन करेंगे जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। जल्दी पुनः और पीगांव शहर को जाम जैसी समस्या से निजात मिल जाएगा। दर्शन शहर में जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस दौरान शहर के बीच से बाईपास निकलेगा। फतेहाबाद में ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। सिरसा में मंदबुद्धि लोगों की देखभाल करने वाले भाई कन्हैया आश्रम के संचालक की अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल। पुलिस ने दरियापुर गांव निवासी पति पत्नी को ब्लैकमेल करने के आरोप में रंगे हाथों नकदी लेते हुए गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने 2 लाख रुपये भी बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 344 और 34 के तहत मामला दर्ज किया। सिरसा में बरनाला रोड बाल भवन में जिला बाल कल्याण परिषद ने जागरूकता शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने शिरकत की। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने नशा छोड़ने वालों को किया सम्मानित। नशे के खात्मे के लिए आमजन से मांगा सहयोग। नशा छोड़ने वालों ने कहा है कि दूसरों को भी नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। नूह में एंटी नार्कोटिक सेल नशा के खिलाफ अभियान चला रहा है। नार्कोटिक सेल ने तावड़ू क्षेत्र से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर आरोपी के पास 530 नशीली यहां पर सिरप और स्विफ्टी कार यहां पर बरामद की। आरोपी की पहचान शौकीन पुत्र शेर मोहम्मद निवासी ढिढारा के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत थाना सदर तावड़ू में मामला दर्ज कर लिया गया है। नूह के शिकरावा मार्ग पर नरियाला मोड़ के पास समीप पैदल चल रहे पूर्व सरपंच खलील अहमद अमरी को स्विफ्ट गाड़ी ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। पूर्व सरपंच ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पिनगांव पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आफिया सामान्य अस्पताल मंडी खेड़ा से पोस्टमार्टम करा के शव परिजनों को सौंपा। झज्जर में तेज गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा साथी गंभीर रूप से जख्मी है। हादसे के बाद गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने झज्जर रिवाड़ी नेशनल हाईवे जाम कर दिया। ग्रामीणों को मांग है कि हादसे को अंजाम देने वाली गाड़ी चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। बहादुरगढ़ में चोरों ने थाने में महज 100 मीटर की दूरी पर ज्वेलरी शोरूम में सेंधमारी की है और लाखों सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए।
चोरी हुए गहनों की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। चोर दीवार तोड़कर शोरूम के अंदर दाखिल हुए और 1400 किलो वजन की तिजोरी और गैस कटर की मदद से सोना चांदी चुराकर फरार हुए। फरीदाबाद में खेड़ी पुल के पास नहर में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया। सिरसा में दया सिंह थेहाड़ पास 2 दिसंबर को हुए ब्लाइंड मर्डर मामले को पुलिस ने सुलझा लिया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों से हथियार और वाहन बरामद करने के साथ साथ इस मामले से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी पूछताछ जारी है। 2 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया। करनाल में आरकेपुरम इलाके में दुकानदार के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट के बाद सड़क पर जाम लगाकर दुकानदार बैठे हुए नजर आए। हालांकि बारिश हो रही थी, फिर भी दुकानदार टस से मस नहीं हुए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और थाने के SHO ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार नहीं माने। मौके पर DSP ने पहुंचकर दुकानदारों को समझाया, तब दुकानदारों ने रास्ता खोला। वही दुकानदारों का कहना है कि कोई भी आता है तो मारपीट करके चला जाता है। दुकानदारों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिला। बदमाशों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। गुरुग्राम के सेक्टर 56 में एक प्लॉट में कंस्ट्रक्शन के दौरान मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। दोनों ही मजदूरों की मिट्टी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया। फिलहाल पुलिस भी आगे की तफ्तीश में जुटी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे NCR में कोहरे और ठंड की दोहरी मार पड़ रही है। राजधानी नहीं बल्कि उत्तर भारत राज्यों में कोहरे और शीतलहर का असर भी देखने को मिला। आपको बता दें कि आज से दिल्ली समेत उत्तर भारत के 6 राज्यों में 3 दिनों तक बारिश के आसार बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशियस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशियस में भारत सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और मॉरिशस इतिहास, संस्कृति, भाषा और हिंदी महासागर के साझा जल में यहाँ पर एकजुट हो चुके हैं। आज हमारी मजबूती विकास साझेदारी हमारे घनिष्ठ संबंधों को एक प्रमुख संतत्व के रूप में उभारी है। अपनी 2015 की यात्रा के दौरान मॉरिशस में मैंने भारत के समुद्री सहयोग के दृष्टिकोण क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास को रेखांकित किया था। मुझे इस बात की खुशी है कि समुद्री सुरक्षा सहित हमारे द्विपक्षीय सहयोग ने इस दृष्टिकोण को क्रियान्वित किया। देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम भारत और कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। PM नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की। PM मोदी ने कहा है कि ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने उन्हें मैनपुरी की बरहल सीट से चुनाव में उतारा है, जिसे सीट से अखिलेश में उतर रहे हैं। वो सपा की सबसे सेफ सीट मानी जाती है। करहल में समाजवादी पार्टी ने 2007 से हार का मुंह नहीं देखा है। इससे पहले चर्चा थी कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर एक बड़ा झटका लगा है। लड़की हूं लड़ सकती हूं की पोस्टर का चेहरा प्रियंका मौर्य भाजपा में शामिल हुई। प्रियंका मौर्य कांग्रेस के टिकट बंटवारे को लेकर बेहद नाराज थी और पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाया, और अब उन्होंने BJP का दामन थामा। केतल में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्र प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने वृद्ध आश्रम में अपने पिता स्वर्गीय शमशेर सिंह सुरजेवाला की द्वितीय पुण्यतिथि पर कंबल वितरित किए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना काल की वजह से कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया है, मैं और मेरे परिवार हमेशा गरीबों के साथ खड़ा रहा।